अनोखे अंदाज में नजर आए पंचायत मंत्री, आदिवासियों के साथ खूब नाचे। प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का अनोखा अंदाज जब देखने को मिला जब वे अपने बमोरी विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य इलाके में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के उपरांत पारंपरिक गीतों पर नृत्य कर रहे आदिवासी समुदाय के युवाओं को देख कर अपने आप को रोक नहीं सके और खुद भी उनके साथ ताल से ताल मिलाकर नाचने लगे। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के हित में भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में कार्य किया है। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने वाली महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाया और राष्ट्रपति पद की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की शोभा बढ़ा रही हैं। कि जब आपकी जमीनें ले रही थी वन विभाग, प्लांटेशन की कार्रवाई हो रही थी, उस समय तो हमारी सरकार भी नहीं थी और एक ऐसा मंत्री था जिसने आदिवासियों से कहा था कि जाओ दिल्ली और महाराष्ट्र से कराओ अपनी बात, मैं तो तुम्हें यहाँ टिकने नहीं दूंगा। उस समय आपके संजू भैया ने और हमारे आदिवासी भाइयों ने सबने मिलकर महाराष्ट्र से बात की थी और आपकी जमीन की रक्षा महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने की थी मेरे साथ। ऊर्जा मंत्री के प्रभार वाले जिले और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र बमोरी के कई गांव में बोवनी के समय किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे क्षेत्र के किसान परेशान हैं। आज जिला मुख्यालय पहुंचे ग्राम बने हैं कि किसानों ने बताया कि बिजली विभाग के कहे अनुसार बिल जमा करने के बाद भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। इस मामले में किसानों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा बोला गया है कि उतना बिल हम जमा कर दिया है, उसके बाद भी हमें विद्युत प्रदान नहीं की जा रही है, जिससे पूरे ग्रामवासी परेशान है। खेती में सिंचाई का ये सही समय है, लेकिन बिजली नहीं मिलने से हम बोवनी में पिछड़ रहे हैं। कई किसानों की अभी बुवाई तक नहीं हुई है। किसानों ने समय से और पर्याप्त बिजली देने की मांग की है। इस मौके पर मदन सिंह, प्रीतम सिंह, राधेश्याम जगदीश, भगवान सिंह, पुरुषोत्तम उद्धम सिंह आदि किसान मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम बने। तहसील कौन सी लगती है? बमोरी। पता है किस समस्या को लेकर आज आप ज्ञापन देने आए थे? सर हमारी बिजली 15 दिन से बिजली नहीं जा रही और हमसे उन्होंने बिल पूरे ले लिए। हमसे कही रोज कल देंगे परसों देंगे और 2 मिनट देकर बंद करके रात भर सोए हैं। कितने ग्रामीण हैं इस परेशान? पूरे गांव में 150 के घर की बस्ती है हमारी गांव की। जी कौन सी बिजली है? पंप वाली है के घर वाली? ट्यूबवेल वाली। हाँ, खेती वाली। कितने दिन हो गए लाइट नहीं आई? हमने आज कम से कम 12 रोज है। बोनी हो गई आपकी? नहीं है, कुछ नहीं, धीमे ही पड़े। तो वैसे सुबह शाम का है देने का उनका 8 दिन सुबह 8 दिन शाम, तो कितने कुछ नहीं मिल रही? बिल्कुल एक दिन भी नहीं दी अभी। तो आपने बात की उनसे फिटर वालों? हाँ बिल्कुल, करी साहब। क्या कहा उन्होंने? उनने जाकर ओवर लोड है, हम कहाँ से बिजली दे हैं। तो उनसे पूछा नहीं पर कहाँ पे जा रही बिजली? और हमने पूछी साहब की ओवर लाइट नहीं, तुम्हारे ओवर लोड है, हम कहाँ हम क्या कर रहे हैं। ब्रागोगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध गाडरवारा धाम मंदिर में पुजारी पंडित दीपक महाराज को असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी, धाम बंद करने और महिलाओं को घर से खींचकर ले जाने वाली धमकी के विरोध में आज ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। घटना के विरोध में सैकड़ों ब्राह्मणों ने अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर गुना के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार राघोगढ़ को सौंपा। मांग की गई है कि अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और पंडित जी की समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटित हो। दरअसल राघोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गाडरवारा में हनुमान जी के मंदिर के पुजारी दीपक पारिक छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की तर्ज पर अपना दरबार लगाते आ रहे हैं। पंडित दीपक महाराज को 15 दिन के अंदर जान से खत्म करने की धमकी दी गई है। यदि उन्होंने हनुमान जी का धाम बंद नहीं किया तो घर में आग लगाने सहित घर की औरतों को खींचकर मारने की चेतावनी पत्र में लिखी गई है। ये पत्र पुजारी के घर के बाहर बदमाशों द्वारा लटकाया गया था, जिसमें उन्होंने इसे पहली और अंतिम चेतावनी भी बताया। इस घटना में ब्राह्मण समाज सहित सभी सामाजिक धाम और लोग इस घटना को लेकर सभी में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज ब्राह्मण समाज रावगढ़ में सर्व ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में गाड़रवाड़ा धाम के पंडित दीपक महाराज के ऊपर शनिवार रात को अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसमें एक पर्ची के माध्यम से उसको कहा गया कि अगर 15 दिन के अंदर धाम बंद नहीं की गई तो हम तुम्हारे साथ जान से मार देंगे, आपकी माँ बहन को घसीट ले जाएंगे, तुम्हारे घर में आग लगा देंगे।
इस घटना से ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षेत्र के सभी सामाजिक संगठन और सभी तमाम भक्त इस बात से आहत और दुखी हैं और जनता में काफ़ी आक्रोश है। इस बात के संदर्भ में कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन देकर के मांग की गई है कि अतिशीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और यथासंभव जो संभव हो सके उतनी महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना न घटे। भारत स्काउट गाइड जिला संघ गुना द्वारा आयोजित द्वितीय सोपान जांच शिविर के अंतर्गत हाइक का आयोजन किया गया। उक्त हाइक में राज्य शासन के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय भोपाल के निर्देश अनुसार दिनांक 2 अक्टूबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक नशा मुक्ति अभियान गुना जिले में चलाए जाने हेतु कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए द्वारा जिले के समस्त विभागों को निर्देश दिए गए थे। निर्देश अनुसार आज दिनांक भारत स्काउट गाइड जिला संघ गुना द्वारा द्वितीय सोपान जांच शिविर में शासकीय अशासकीय विद्यालयों के स्काउट गाइड द्वारा नशे से होने वाले बीमारियों के बारे में बताया गया है। आम जन को जागरूक करने हेतु रैली की प्रारंभ गोपाल मंदिर कैंट गुना से श्रीमती सोनम जैन संयुक्त कलेक्टर प्रभारी जन संचालक सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण शिविर संचालक प्रताप नारायण मिश्रा द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। ये रैली आकाशवाणी पीजी कॉलेज से होते हुए जाटपुरा शासकीय उत्कृष्ट छात्रावास में समापन किया गया। जितेंद्र ब्रह्मभट्ट DOC ने बताया कि हाइक में स्काउट गाइड द्वारा बिना साधनों के खाना बनाना सीखा और खोज के चिन्ह के माध्यम से निर्धारित स्थान पर पहुंचे। नितेश कुमार शर्मा मुख्य परामर्शदाता, हरिदत्त शर्मा, श्रीमती राखी नामदेव, श्रीमती रेणु जाधव, श्रीमती पूनम राठौड़ सहित कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड जिला संघ गुना द्वारा 350 प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। इस शिविर में आज हमने हाइक का आयोजन किया। हाइक के अंतर्गत हमने आज मध्य प्रदेश शासन और जिला प्रशासन के सहयोग से नशा जागरूकता अभियान की रैली का प्रारंभ हमारे शिविर स्थल से लेकर गोपालपुरा तक किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने नशा ना करने के प्रति लोगों को जागरूक किया और बीच में स्वतंत्रता पाई जब आया तो हमें स्वच्छता का भी संदेश दिया। और इसके साथ हमारी जो रैली का प्रारंभ हमारे डिप्टी कलेक्टर मैडम सोनम जैन जी द्वारा किया गया और इसमें लोगों से ये आग्रह किया गया कि नशा न करें और नशा के दुष्परिणाम होते हैं, इससे शरीर और पैसे दोनों का नाश होता है। और आज हम और इसी क्रम में हम लोगों ने वॉल पेंटिंग भी कराई गई जिसमें हमारे छात्र छात्रा स्काउट गाइड द्वारा जगह जगह वॉल पेंटिंग भी बनाई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला गुना कांग्रेस अध्यक्ष श्री हरिशंकर विजयवर्गीय जी अपने जन्म दिवस की बधाई देते हुए ZRUCC मेंबर सुनील आचार्य को रेल महाप्रबंधक के नाम ज्ञापन सौंपा। कोटा वाया रुठियाई इंदौर 22983 को कोटा से गुना होते हुए भोपाल और ग्वालियर भोपाल इंटरसिटी 12198 को ग्वालियर से रोज होते हुए गुना चलाने रिपीट। रोज गुना होते हुए इंदौर चलाने की बात जो पिछले 10 वर्षों से उक्त क्षेत्र की जनता मांग रही है। रेल के यात्रियों के हिसाब सुविधा को काम करते रहे तो इस बारे में जो आपने अभी ज्ञापन जो सौंपा है रेल प्रबंधक महोदय को उसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो सबसे पहले रेल प्रबंधक को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने जो है सुनील जी को ZRUCC का मेंबर बनाया पश्चिम रेलवे का और उन्होंने रेल मंत्रालय में गुना के रेल के लिए जो चिंता व्यक्त की निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो और बहुत लंबे समय से गुना की एक मांग रही है कि जो कोटा से इंदौर ट्रेन जाती है वाया रुठियाई उसको गुना होते हुए आगे बढ़ाया जाए भोपाल तक और जो वहाँ से ग्वालियर से जो चलती है ट्रेन उसको कोटा तक कर दिया जाए। इससे 4 महानगरों को इसका लाभ मिलेगा और हमारे यहाँ से क्षेत्र से तमाम छात्र और छात्राएं अध्ययन के लिए इंदौर और ग्वालियर जाते हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करता हूँ महाप्रबंधक रेलवे से कि हमारी इस मांग को शीघ्र पूरा करने की कृपा करें। सुनना मैं चाहता हूं हरिशंकर विजयवर्गीय अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी गुना। थैंक यू। भारत
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रही है। एकल वन यात्रा प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि एकल अभियान अंचल गुना द्वारा आज 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती कार्यक्रम एकल विद्यालय ग्राम चीम में मनाया गया, जिसमें एकल भाग अध्यक्ष महेश सिंह सोलंकी, एकल वन यात्रा प्रभारी विकास जैन नखराली, पवन सोनी, पप्पू सिंह नायक, नारायण सिंह मीणा, कल्याण सिंह बंजारा, विजय आदिवासी ग्राम प्रमुख श्यामलाल आदिवासी एवं आचार्य शिवराज सिंह सहरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर आरंभ किया। साथ ही जनजाति गौरव दिवस पर जनजाति समाज के भाइयों बहनों को बधाई दी गई। भाग अध्यक्ष सोलंकी ने कहा कि अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने वाले महापुरुषों कई रहे जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी महापुरुष जिन्हें भगवान की तरह पूछते हैं उनका नाम है महानायक बिरसा मुंडा। जिन्हें देखकर अंग्रेज सत्ता धर्राती है जिन्हें देखकर अंग्रेजों की सत्ता थर्राती थी, जिनकी ताकत का लोहा पूरी अंग्रेजी हुकूमत मानती थी। आज पूरी भारत सरकार जनजाति दिवस मना रही है इनके जन्म जयंती पर, तो हमको तो खुशी की बात है कि नहीं है। आज अपने समाज के एक ऐसे व्यक्तित्व की जन्म जयंती पूरा देश मना रहा है जनजाति समाज के माध्यम से। आपको बात समझ में आ गई मेरी? अपने को दिमाग में रखना है। आज बाल दिवस के अवसर पर शासकीय जिला चिकित्सालय के प्रसूति गृह एवं नवजात शिशु इकाई सेंटर पर मैथिल ओझा समाज के महिला मंडल द्वारा प्रसूति गृह के सभी बच्चों को ठंड से बचाव हेतु गर्म कपड़ों का वितरण किया गया और सभी माताओं को बच्चों के जन्म की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। साथ ही नवजात शिशु को किस प्रकार सुरक्षित रखे, उनका लालन पालन किस प्रकार करे जानकारी दी गई। बच्चे ही देश का भविष्य, उनको संरक्षित करना, पोषित करना, शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। यह बात समाज की महिला अध्यक्ष रजनी ओझा द्वारा कही गई। इस अवसर पर सरिता मथुरिया, निर्मला ओझा, रानी ओझा, ममता ओझा, पिंकी ओझा, उमा आदि महिलाएं उपस्थित रही। इस उद्देश्य से हॉस्पिटल परिसर में उपस्थित हुए। चूंकि आज आप सभी को ज्ञात है कि आज बाल दिवस है, बच्चों का दिवस है जी। तो उसी अवसर पर हम लोग, हमारे मैथिल ओझा समाज की महिलाएं हमेशा ये समाज सेवा के काम करते रहते हैं, तो आज बाल दिवस के अवसर पर यहाँ पर जो नवजात शिशु हैं, वार्ड में जितने भी सभी बच्चे हैं, सभी के लिए हम लोगों ने गर्म कपड़े वितरित किए जी। और आगे भी हाँ, बच्चे क्या है, देश का भविष्य है, तो बच्चों को सुरक्षित रखना, शिक्षित रखना, पोषित रखना हमारा ही कर्तव्य है। तो हम भी ये पहल करते हैं कि बच्चे हमेशा आगे बढ़ें, सुरक्षित रहें, शिक्षित रहें, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए आज उन्हीं के सुरक्षित करने के लिए, उनको ठंडे से बचाने के लिए महिला मंडल ग्रुप की ओर से गर्म कपड़े बिक्री किए। आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम रजनी ओझा है, मैथिल ओझा समाज महिला मंडल अध्यक्ष। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। आगे भी आप ऐसे कार्य करते रहे जी। धन्यवाद। जिले के चाचौड़ा जेल के सहायक अधीक्षक और परिसर के नजदीक रहने वाले रहवासियों के बीच विवाद हुआ है। सहायक जेल अधीक्षक चाचौड़ा उमेश सिंह माहुल ने चाचौड़ा पुलिस थाना और जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। हालांकि घटना 2 नवंबर को हुई है। FIR में बताया गया है कि चाचौड़ा जेल कैंपस के लिए विधायक नीति से 2 बेंच स्वीकृत की गई थी। जैसे ही बेंच लगाने का काम शुरू हुआ, जेल परिसर के पड़ोस में रहने वाले आरोपी छोटू खा, लंगड़ू, झिंगू और रसीत नामक 4 लोगों ने सहायक जेलर को गालियां देना शुरू कर दिया और वो अपने घर के सामने बेंच लगाना चाहते थे। नौबत यहां तक आ गई कि सहायक जेलर मारपीट की संभावना को देखते हुए अपने बंगले की ओर भागे और जान बचाई। इसके बाद उन्हें डायल 100 बुलाना पड़ी। चाचौड़ा पुलिस ने सहायक जेल अधीक्षक की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और गालियां देने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिला प्रशासन कलेक्टर फ्रैंक नोबल एक निर्देशन और आदर्श परिवार तथा आधुनिक नालंदा के सहयोग से संचालित UPSC और MPPSC निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राओं ने राजधानी भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश शासन के सचिव माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट और कमिश्नर इंडस्ट्री MP एंड मैनेजिंग डायरेक्टर MP स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन भोपाल P नरहरि से ऑफिस में भेंट कर UPSC और MPSC की तैयारी के संबंध में चर्चा की और 5 जिलों के अभ्यर्थियों के साथ सफलता
कि मंत्र जाने। संयुक्त संचालक सोनू प्रकाश ने बताया कि गत दिवस श्योपुर, सीहोर, सतना, टीकमगढ़ और गुना निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के छात्र छात्राओं के साथ पी नरहरि सर से उनके ऑफिस में जाकर मुलाकात की। इस चर्चा के दौरान छात्र छात्राओं के सवालों के जवाब भी दिए गए। छात्र छात्राओं का सवाल था कि आपके इंदौर कलेक्टर रहते स्वच्छता में इंदौर प्रथम स्थान पर आया। इसका जवाब देते हुए बताया कि जनता से संवाद करके ये संभव हो पाया है। दूसरा सवाल अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया, लाड़ी लक्ष्मी योजना का ड्राफ्ट आपने कैसे तैयार किया। इसका जवाब देते हुए बताया कि इसके लिए मैंने कई जिलों का भ्रमण किया तथा इससे संबंधित लोगों से चर्चाएं की, एनजीओ, एसएचजी अधिकारियों, विशेषज्ञों अन्य से चर्चा करके तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि श्योपुर, सीहोर के सतना, टीकमगढ़ और गुना में जिला प्रशासन की पहल और यूपीएससी, एमपीपीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस आदर्श परिवार और आधुनिक लालनता के डायरेक्टर परीक्षित भारती के सहयोग से संचालित हो रही है। इस दौरान संयुक्त संचालक निःशुल्क कोचिंग सोनू प्रकाश, सहायक संचालक राम लखन, शिक्षक टीका सर बंसल, कुमारी किरण भारती, कुमारी निशा लालावत, मनीषा सौर और सतना शाखा से विकास सिंह, त्रिभुवन सिंह, नयन आकांक्षा और सीहोर शाखा से हितीश दुबे, नीलू लोधी सहित कई लोग शामिल रहे। पंद्रह नवंबर को जनजाति समाज के गौरव बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में अनेक आयोजन हुए। वहीं अशोकनगर से सांसद डॉक्टर केपी यादव ग्राम पड़रिया और मड़खेड़ा में आदिवासी भाइयों के बीच पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मिठाई खिलाकर सभी को बधाइयां दी। सर्वप्रथम डॉक्टर केपी यादव ग्राम मड़खेड़ा पहुंचे, जहां आदिवासी भाइयों के बीच पहुंचकर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया और उनके बारे में अपनी बात रखते हुए कहा कि अंग्रेजों की हुकूमत के समय अत्याचारों के प्रतिकार हेतु जनजाति समाज को संगठित कर उनसे जनचेतना जागृत कर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का शंखनाद भगवान बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आदिवासी समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम किया, समाज में फैले अंधविश्वास कुरीतियों को मिटाने के लिए जनजागरण अभियान चलाया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर केपी यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही किशोरीलाल आदिवासी के घर जाकर उनके साथ बैठकर भोजन किया और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने पर किशोरीलाल ने अपने अनुभव साझा करते हुए डॉक्टर केपी यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात सांसद डॉक्टर केपी यादव ग्राम पड़रिया पहुंचे, जहां पर आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में आदिवासी छात्रों के साथ बिरसा मुंडा जी के चित्र पर माल्यार्पण जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को मिठाई फल वितरित किए। सांसद श्री यादव ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस वर्ग के युवा मुख्यधारा में जुड़कर अपना भविष्य बना रहे हैं, उनके लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा भोजन, स्वास्थ्य, आवास इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि तीर्थ नारायण शर्मा, आशुतोष देवलिया, मंडल उपाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी सहित ग्रामवासी और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा राधवगढ़ तहसील के ग्राम गाडरवाड़ा में हनुमान जी के मंदिर के पुजारी के घर के बाहर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धमकी भरा लेटर आया है। इस घटना के विरोध में आज राघोगढ़ में ब्राह्मण समाज धर्मशाला से तहसीलदार रैली निकालकर राघोगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। इस घटना में ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, जिसमें मांग की गई है कि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ब्राह्मणों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। द इम्पीरियर वर्ल्ड कॉन्वेंट स्कूल में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया गया। इसे लेकर बच्चे पिछले काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। बाल दिवस पर बच्चों ने स्कूल में खाने पीने वाली चीजों के स्टॉल लगाई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। बच्चों द्वारा बनाए खाद्य पदार्थों का स्कूल के शिक्षकों, बच्चों और माता पिता ने स्वाद चखा। वहीं छोटे बच्चों को अलग अलग गेम खिलाए गए। वहीं स्कूल स्टाफ द्वारा छोटे छोटे बच्चों को टॉफी बिस्किट वितरित किए गए। वहीं बच्चों ने स्कूल को बहुत अच्छे से सजाया और बड़े हर्ष उल्लास के साथ बाल दिवस यहां मनाया गया। Come on, come on, come on.
बैंक का होम लोन ना चुकाने पे हुआ मकान जब्त। एस्पायर होम फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से लोन लेने पर जब रनी द्वारा लोन नहीं चुकाया गया तो बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम अंतर्गत कलेक्टर के यहां गुहार लगाई गई। तहसीलदार कुमराज द्वारा अधिनियम के नियमानुसार जिसमें संपत्ति की कुर्की का आदेश हुआ, आदेशानुसार राजस्व विभाग तहसीलदार कुमराज द्वारा सोनू साहू और राजकुमार साहू पिता राम भरोसा साहू निवासी कुमराज वार्ड क्रमांक 15 में एक्सपायर द्वारा फाइनेंस मकान जब्त करके प्राधिकृत अधिकारी एडवोकेट गौरव सड़िया को सौंपा गया। कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए और पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव तथा नरेश कुमार चौबे आबकारी आयुक्त ग्वालियर के निर्देश में नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मदिरा की विनिर्माण विक्रय संग्रह परिवहन और जहरीली शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जिला आबकारी अधिकारी जगन्नाथ किराड़े के मार्गदर्शन में गुना जिले के व्रत चाचोड़ा क्षेत्र में व्रत प्रभारी राम किशन द्वारा ग्राम चांदपुर चौपना गौरियाखेड़ा जमुनिया जांगीर पेंची मंडी सनाई आदि स्थानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान 35 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा और 450 किलोग्राम महो लहन बरामद किया है। मौके पर लहन सैंपल लेकर शेष लहन नष्ट किया गया। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत 28,750 रुपये बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। राज्य स्तरीय मास्टर मीट प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 का आयोजन उज्जैन में किया गया। सभी जिलों से बैडमिंटन के अपने अपने ग्रुप के खिलाड़ियों ने सिंगल्स में एक बार पुनः भाग लिया, जिसमें गुना जिले के श्री अब्दुल नईम खान मध्य प्रदेश विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी गुना में कार्यरत ठेकेदार और कुंज बिहारी तिवारी महिला बाल विकास गुना ने गोल्ड मेडल प्राप्त कर गुना जिले का नाम रोशन किया। इनका चयन आगामी माह में नेशनल हेतु हुआ है। सभी इष्ट मित्रों परिवारजनों ने श्री नईम खान और तिवारी को बधाइयां प्रेषित की। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जयंती आजाद संघ गुना द्वारा उत्साहपूर्वक मनाई गई। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी आजाद संघ गुना के तत्वाधान में अजाक्स कार्यालय गुना पर धरती आबा क्रांतिवीर जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा का जन्मदोत्सव बड़ी धूमधाम से उत्साहपूर्वक आदिवासी नृत्य कर्मा की प्रस्तुति के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि वसंत खरे, प्रांतीय सचिव आलोक नायक, जिलाध्यक्ष संयुक्त मोर्चा प्रमोद रघुवंशी, जिलाध्यक्ष कर्मचारी कांग्रेस, जिला उपाध्यक्ष प्रतिनिधि क्षितिज लंबा, सांसद प्रतिनिधि रमेश मालवीय, नरेंद्र भार्गव जिलाध्यक्ष, जिला शिक्षक संघ विशेष अतिथि महेश परोचिया, किशनलाल लहिरवार आदि मौजूद रहे।